discussing that this is the World Cup final we are playing and we have to win this match. When I came to the side, I knew if I get the chance in this World Cup, I'll give my best shot. In the knockout stages, I don't think I've seen the team play, you know, as a tighter unit in the last 3 years. ये कहानी है उस दौर की जब कंगारुओं का वर्चस्व संपूर्ण क्रिकेट की धरती में था। उनका अथाह पराक्रम उनके अदम्य साहस की गवाही दे रहा था। पिछले 3 वर्ल्ड कप और उन तीनों वर्ल्ड कप में लगातार अपराजित कंगारू, ये ऐतिहासिक आंकड़े बता रहे थे कि उस वक्त क्रिकेट की धरती में कंगारुओं की क्या औकात थी। 4 बार की विश्व विजेता टीम 2011 के वर्ल्ड कप में एक बार फिर से रिकी पॉन्टिंग की अगुवाई में खेल रही थी। एक ऐसा कप्तान जिसके कप्तानी में कंगारुओं ने कभी भी पराजय नहीं देखी थी, जो लगातार 24 मैचों से अपराजित था, जिसकी कप्तानी में कंगारुओं ने पिछले 2 वर्ल्ड कप में लगातार अपराजित सर्वशक्तिमान होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी 11 मैच जीते। इस बार भी कंगारुओं की टीम ने अपने सभी 11 मुकाबले जीते। कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में उस कप्तान की निगाहें थी लगातार तीसरी बार तीसरे वर्ल्ड कप में, और उस वर्ल्ड कप से वो कप्तान महज 2 कदम पीछे था और सामने थे धोनी के धुरंधर। एक ऐसे कप्तान का सामना होने वाला था, एक ऐसे कप्तान से जिसने 2007 का T20 वर्ल्ड कप अपने होशियारी के दम पर टीम इंडिया को जिताया था। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम उस रात उस तबाही का गवाही बनने वाला था। 24 मार्च 2011, आज के दिन या तो कंगारुओं का घमंड टूटने वाला था या फिर वो घमंड जारी रहने वाला था। टीम इंडिया के पास एक तरफ होम एडवांटेज था, वहीं दूसरी ओर उन खंखार कंगारुओं को एडवांटेज से कोई मतलब नहीं था, जिन्हें ना तो किसी होम से मतलब था और ना ही किसी एडवांटेज से, जिनके सामने होम किसी का भी एडवांटेज उनका ही होता था। पिछले 3 वर्ल्ड कप से अपराजित कंगारू आज टीम इंडिया के समक्ष खड़े थे। ऐसे हालात में उनके आंकड़े बता रहे थे, होम किसी का भी, राज तो कंगारुओं का ही होता है। क्रिकेट कहीं पर भी हो, पिछले 3 वर्ल्ड कप से राजा हमेशा कंगारू ही होता था। और कुछ ऐसे ही हालात, कुछ इन्हीं बयानों के बीच में 2003 के वर्ल्ड कप की वो हार, उस हार की वो दर्दनाक पल हम इंडियंस कभी नहीं भूलने वाले थे। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम उस दिन उस घमंड के तबाही का गवाही बनने वाला था। 24 मार्च 2011 वर्ल्ड कप 2011 का क्वार्टर फाइनल मैच। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, कहानी अपराजित ऑस्ट्रेलिया के पराजित होने की। एक ओर दिग्गजों से लैस कंगारू टीम थी, वहीं दूसरी ओर धोनी की नई नवेली टीम इंडिया। कंगारुओं के पास रफ्तार से कहर बरपाते तेज गेंदबाज थे, तो बल्लेबाजी में एक निडर पराक्रमी बल्लेबाजी क्रम था। वहीं दूसरी ओर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा तैयार की गई नई नवेली टीम इंडिया, जिनमें कुछ के पास अनुभव, पराक्रम, विश्व का सबसे कीर्तिमान खिलाड़ी होने का गौरव हासिल था, परंतु इस गौरव, इस पराक्रम के दम पर टीम इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी। टीम इंडिया के पास ये कलंक था और वहीं कंगारुओं के पास वो घमंड था, और कंगारुओं का वो घमंड जायज था। सिक्का कंगारुओं के पक्ष में गिरता है और कंगारुओं ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कंगारुओं का यह निर्णय टीम इंडिया के जख्मों में एक और कलंक का इशारा था। उस मैच से पहले कहा जाता था कि टीम इंडिया पिछले 6 बार कंगारुओं के सामने लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी, और जब कभी भी टीम इंडिया को लक्ष्य का पीछा करने का मौका मिला था, हर बार टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई थी। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम, जहाँ कंगारुओं का घमंड या तो आज जारी रहने वाला था या फिर वो घमंड और उस घमंड की पटकथा का आज समापन था, उस घमंड पर विराम लगने वाला था या फिर वो घमंड अपराजित और अखंड रूप से जारी रहने वाला था। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के टॉस हार जाने के बाद दिग्गजों के बयान बदल चुके थे, क्योंकि चेस करते हुए टीम इंडिया ने कभी भी कंगारुओं को पराजित नहीं किया था, और ये रिकॉर्ड बता रहे थे कि कंगारू दामन टीम इंडिया पर कितना हावी था। कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसी परिस्थितियों में मोटेरा के मैदान में लिखी जाती है कंगारुओं के पराजय की पटकथा। कंगारुओं की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं शेन वाटसन और हेड। हमेशा की तरह कंगारुओं की शुरुआत शानदार रही, परंतु वाटसन ज्यादा देर तक मैदान में टिक ना सके, और वाटसन के आउट होते मैदान में उतरता है कंगारुओं का पराजित सर्वशक्तिमान योद्धा रिकी पॉन्टिंग। एक ऐसा योद्धा जो अगर मैदान में टिक गया तो अपने अकेले दम पर बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छुड़ा देता था, जो कंगारुओं के अभिमान, कंगारुओं के घमंड की भाषा था। एक ऐसा कप्तान जो पिछले 3 वर्ल्ड कप से अपराजित था, परंतु इस वर्ल्ड कप में वो कप्तान कंगारुओं का सिर दर्द बन चुका था, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में वो कप्तान महज 20 की औसत से रन बना रहा था,
उसके बल्ले की खामोशी टीम इंडिया की खुशी की वजह थी। वर्ल्ड कप के 6 मैच में 20.40 की औसत से पॉन्टिंग ने सिर्फ 102 रन बनाए हैं। परंतु उसके बल्ले की खामोशी को देखकर उसमें रवानी नहीं है ये समझना टीम इंडिया की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में खामोश रहने वाला रिकी पॉन्टिंग क्वार्टर फाइनल मैच में टीम इंडिया के खिलाफ एक बार फिर से चल गया। एक तरफ से कंगारुओं के लगातार अंतराल में विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से कप्तान रिकी पॉन्टिंग कप्तानी पारी खेल रहा था। उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य विराट रूप धारण कर चुका था। ऐसे हालात में उस कप्तान का लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि कंगारू टीम के स्कोर को एक ऐसी जगह तक पहुंचाना है जहां से कंगारू के द्वारियों के आक्रमण के समक्ष वो लक्ष्य अभेद अखंड बन जाए। देखते ही देखते उस कप्तान का शतक आ चुका था। कंगारू सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुके थे। ये रहा कंगारुओं का स्कोर कार्ड। अब टीम इंडिया के सामने 260 रनों का लक्ष्य था, परंतु ये लक्ष्य कंगारू गेंदबाजों के सामने 300 रनों से कम नहीं था। कंगारुओं के अपराजित रथ को रोकने के लिए टीम इंडिया को बनाने थे 261 रन। मोटेरा की धरती में कंगारुओं का वो घमंड आज या तो ध्वस्त होने वाला था या फिर हमेशा की तरह जीवित रहने वाला था। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया था, अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं सचिन और सहवाग। टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। टीम इंडिया ने 44 रन के भीतर अपना पहला विकेट सहवाग के रूप में खो चुकी थी, लेकिन गंभीर और क्रिकेट के भगवान टीम इंडिया को संभालने का प्रयास करते, परंतु सॉन टेट की मुख्य क्रिकेट के भगवान को भी पवेलियन का रास्ता दिखा चुकी थी। ऐसे हालात में टीम इंडिया अपने दोनों ओपनर्स को खो चुकी थी। एक के बाद एक टीम इंडिया के विकेट गिर रहे थे। ओपनर्स के आउट हो जाने के बाद कोहली और गंभीर भी टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। 168 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया अपने 4 विकेट खो चुकी थी और ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को अगले 101 गेंदों में 93 रनों की जरूरत थी। ये लक्ष्य संभव नहीं था, परंतु कंगारू गेंदबाजों के सामने आसान भी नहीं था। 101 गेंदों में 93 रन बनाने के लिए क्रिस पर मौजूद था टीम इंडिया का कप्तान और टीम इंडिया का युवराज, परंतु 187 के स्कोर पर टीम इंडिया का कप्तान भी टीम इंडिया का साथ छोड़ चुका था। टीम इंडिया का कप्तान ब्रेटली का शिकार बन चुका था। आधे से अधिक टीम इंडिया पवेलियन पहुंच चुकी थी। संकट के बादल अब टीम इंडिया के सर पर मंडरा रहे थे। जो जीत आसान दिख रही थी अब थोड़ी मुश्किल हो चुकी थी। ऐसे हालात में क्रिस पर मौजूद थे सुरेश रैना और युवराज सिंह। पूरा तारुमदार इन दोनों बल्लेबाजों पर था। अगर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर रह गए तो टीम इंडिया का सफर जारी रहेगा, अगर नहीं तो ये वर्ल्ड कप का सपना सपना बनने वाला था। टीम इंडिया का कप्तान अब टीम इंडिया के साथ नहीं था। क्रिकेट का भगवान अब मैदान से क्रिकेट देख रहा था। विस्फोटक सहवाग से उम्मीदें टूट चुकी थी। टीम इंडिया अपने बुरे हालात में फंस चुकी थी। ऐसे हालात में युवराज सिंह ने पहले पारी को संभाला और रायना ने कंगारुओं पर आक्रमण किया। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने पहले 50 रन की साझेदारी की और फिर युवराज सिंह ने अपने 50 रन पूरे किए। अब ये मैच टीम इंडिया के लिए औपचारिक बन चुका था। ऐसे में कंगारुओं के वो समर्पण का भाव उनके टूटे हुए घमंड को प्रकट कर रहा था। रायना और युवराज के ये शॉट्स कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर कर रहे थे। अपने उन जख्मों का वो बदला ले रहे थे जो 2003 के वर्ल्ड कप में इन्हीं कंगारुओं ने हम भारतीयों को दिया था। युवराज सिंह के शॉट के साथ कंगारुओं का वो समर्पण देखने लायक था। बहुत महीन सी थी दरार, जड़ दिया चार और टीम को पहुंचा दिया अंतिम चार। वेल डन युवराज सिंह। मोटेरा के उस मैदान में कंगारुओं का घमंड ध्वस्त हो चुका था। टीम इंडिया के सर से वो कलंक मिट चुका था जो पिछले 6 बड़े मैचों से टीम इंडिया के साथ चला आ रहा था। उन चेहरों में वो खुशी थी जो 2003 के वर्ल्ड कप से गायब थी। उस भारत में वो रवानी थी जो 2003 के वर्ल्ड कप में खो चुकी थी। One person who can actually be a game changer would be Yuvraj Singh. You can ask him. I said you'll get 450. But I don't think any one of us, maybe not even Yuvraj himself, expected him to have the kind of tournament that he did have. कुछ इसी जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में दस्तक दे चुकी थी और सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना होने वाला था पाकिस्तान से। कंगारुओं की बादशाहत को खत्म करके टीम इंडिया सेमीफाइनल के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम इंडिया 28 साल के उस सूखे को खत्म करने से
महज 2 कदम पीछे थी। ऐसे में विश्व विजय के इरादे को लेकर चल रही टीम इंडिया के सामने था हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान भी अपने ग्रुप स्टेज में सबसे ऊपर था। उसे भी उन कंगारुओं को पराजित करने का घमंड था जो पिछले 24 सालों से वर्ल्ड कप के मैचों में अपराजित थे। कंगारुओं को पराजित कर पाकिस्तान विश्व क्रिकेट में अपने वर्चस्व को स्थापित कर चुका था और उसके इस घमंड की वजह थे पाकिस्तान के ये प्लेयर्स शाहिद अजमल, शाहिद अफरीदी, उमर अकमल, यूनुस खान, मिस्बाह, वहाब रियाज। ये वो नाम है जो विरोधियों की हालत गंभीर करने में माहिर थे। ऐसे हालात में पाकिस्तान टीम इंडिया से वर्ल्ड कप के हर उस मैच का बदला लेना चाहता था जिन्हें वो पिछले कई वर्षों से झेलते आ रहे थे। पाकिस्तान अभी भी भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपने पहले जीत के लिए तरस रहा था। ऐसे में 2004 की वो हार, 2007 का वो वॉल आउट मैच और 2007 के T20 वर्ल्ड कप में मिस्बाह का वो शॉट पाकिस्तान के जख्मों में नमक का काम कर रहा था। ये सभी हारें पाकिस्तान के लिए बेहद दर्दनाक थी और इन हारों से ये पाकिस्तान अंदर ही अंदर दहल रहा था। ऐसे में सेमीफाइनल की ये भिड़ंत आग में घी की तरह कार्य कर रही थी। ये मैच दो देशों के बीच सिर्फ मैच नहीं था, ये मैच दो देशों का वर्चस्व था और इस वर्चस्व की लड़ाई में ये मैच मुकाबला नहीं महामुकाबला होने वाला था। दूसरी तरफ टीम इंडिया भी कंगारुओं को धूल चढ़ाकर सेमीफाइनल तक का सफर तय कर चुकी थी। ऐसे हालात में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया भी अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। पाक के पास अपना घमंड था तो टीम इंडिया के पास अपना आत्मविश्वास, पाक के पास अपना अति उत्साह था तो टीम इंडिया के पास महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी थी, पाक के पास शाहिद अफरीदी था तो टीम इंडिया के पास कप्तान महेंद्र सिंह धोनी था, पाक के पास उस टाइम का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर था तो टीम इंडिया के पास विश्व क्रिकेट का भगवान था। कहा यह जाता है कि क्रिकेट की दुनिया में उस वक्त सबके वार के सामने भगवान का एक प्रहार काफी था और भगवान के उसी प्रहार से पूरा पाकिस्तान कांप रहा था। 30 मार्च 2011 क्रिकेट की दुनिया में एक नई पटकथा लिखी जाने वाली थी और उस पटकथा की गवाही देने वाला था। डाउनलोड करो। दोनों टीमों के कप्तान आमने सामने थे और दोनों का सपना सिर्फ एक था, दोनों को ही अपनी टीम को विश्व विजेता बनाना था। ऐसे हालात में विश्व विजेता वही बनने वाला था जो विश्व विजय के लायक था और जब बात काबिलियत की हो तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सामने बड़े बड़े दिग्गज पानी मांगते हैं। मैदान पर सिक्का उछाला जाता है, सिक्का महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष पर गिरता है और टॉस जीतकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग दोनों ने टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन शुरुआत की और शुरुआत से पाकिस्तानी गेंदबाजों को रिमांड में लेते हुए पहले 6 ओवर में 48 रन ठोक डाले, परंतु सहवाग का ये अंदाज ज्यादा देर तक चल ना सका और वहाब रियाज ने उन्हें अपने स्विंग में फंसा लिया। ऐसे हालात में अब मैदान पर थे सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर जिन्होंने इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की ओर से सबसे अच्छी बल्लेबाजी की थी, परंतु 10वें ओवर में शाहिद अजमल की वो मैजिकल डिलीवरी जिसमें भगवान को लेग बिफोर आउट करार कर दिया जाता है, भगवान के आउट होने की खुशी संपूर्ण पाकिस्तान में थी और अब पाकिस्तान खुश था कि क्रिकेट का भगवान अब आउट हो चुका है, परंतु ये खुशी पाकिस्तान को नसीब नहीं हुई। अंपायर के उस डिसीजन पर क्रिकेट के भगवान ने TRS लिया और TRS के डिसीजन से पूरे पाकिस्तान में मातम था, पूरे पाकिस्तान की खुशी एक झटके में तबाह हो चुकी थी। लेकिन किसको पता था कि ऐसे झटके इस पूरे मैच में पाकिस्तान को और लगने वाले हैं। ठीक अगली ही बॉल पर एक बार फिर से शाहिद अजमल ने भगवान के खिलाफ स्टंप आउट की अपील की और एक बार फिर से TRS लिया जाता है। पाकिस्तान के साथ फिर वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने उत्साह के दम पर मैच खेल रहे थे, वहीं क्रिकेट का भगवान अपने सालिन स्वभाव से क्रिकेट खेल रहा था। पूरा पाकिस्तान क्रिकेट के भगवान को पवेलियन में भेजना चाहता था, परंतु ऐसा हो ना सका और 2 ओवर बाद शाहिद अफरीदी की गेंद पर शाहिद अजमल ने भगवान का कैच छोड़ दिया। इस कैच का टपकना पाकिस्तान के लिए जले में नमक बन चुका था। उसके बाद सचिन और गंभीर ने संभल कर खेलना प्रारंभ किया और 18 ओवर तक टीम इंडिया के स्कोर को 116 रनों तक पहुंचा दिया, परंतु एक बड़े शॉट की खोज में गौतम गंभीर अपना विकेट खो चुके थे। टीम इंडिया का स्कोर अब 118 पर 2 विकेट हो चुका था कि एक बार फिर से क्रिकेट के भगवान को शाहिद अफरीदी की गेंद पर जीवन दान मिलता है। एक बार फिर से यूनुस खान ने क्रिकेट के भगवान के कैच को टपका दिया। इस मैच को देख कर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान भगवान को आउट करना ही नहीं चाहता। अब विराट और सचिन टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 141 के स्कोर पर विराट कोहली भी वहाब रियाज का शिकार बन चुके थे। कोहली रियाज की गेंद पर उमर अकमल को कैच थमा बैठते हैं। टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब टीम इंडिया के युवा युवराज बिना खाता खोले वहाब रियाज का शिकार बन चुके थे
भाव रियाज ने उन्हें क्लीन बोल्ड करके युवराज को चारों खाने चित कर दिया। युवराज के विकेट की क्या कीमत थी, आप इस बात का अंदाजा पाकिस्तानी प्लेयर्स के इस सेलिब्रेशन से लगा सकते हो। कंगारुओं के घमंड को ध्वस्त करने वाला वो युवा युवराज अब टीम इंडिया का साथ छोड़ चुका था। अब टीम इंडिया का स्कोर 141 पर 4 विकेट हो चुका था और क्रीज पर मौजूद थे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और टीम इंडिया का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। दोनों प्लेयर्स बड़ी सूझबूझ के साथ खेल रहे थे। 187 के स्कोर पर मोहम्मद हाफिज की गेंद में क्रिकेट के भगवान को फिर से जीवन दान मिला। सचिन उस वक्त 85 के स्कोर पर खेल रहे थे। संपूर्ण भारत को उम्मीद थी कि सचिन के बल्ले से अगला शतक आएगा, लेकिन अगले ओवर की आखिरी गेंद पर शाहिद अजमल ने क्रिकेट के भगवान के विकेट को अर्जित कर लिया। अंततः क्रिकेट का भगवान शाहिद अफरीदी के हाथों पकड़ा गया। अब टीम इंडिया का स्कोर 206 पर 6 विकेट हो चुका था। पहली पारी में 42 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन सुरेश रैना ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। 50 ओवर का मैच खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 260 रन थे। यह स्कोर मैच जिताने लायक तो नहीं था, परंतु इस स्कोर में टीम इंडिया पाकिस्तान से लड़ जरूर सकती थी। ये रहा उस मैच में टीम इंडिया का स्कोर कार्ड। वहाब रियाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान को अगली 300 गेंदों में 261 रन बनाने थे और उसी फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए इतने ही गेंदों में इतने ही रन बचाने थे। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे कामरान अकमल और मोहम्मद हाफिज। ये दोनों बल्लेबाज अपने आत्मविश्वास से भरे थे और पाकिस्तान को एक शानदार शुरुआत देते हैं। दोनों ने मिलकर पहले 8 ओवर में टीम इंडिया के खिलाफ 42 रन जोड़ डाले, लेकिन 9वें ओवर में जाहिर खान ने कामरान अकमल को युवराज सिंह के हाथों कैच कराकर पाकिस्तान को पहला झटका दिया। पहले विकेट के बाद पाकिस्तान अपने स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, लेकिन रास्ते में मुनाफ नाम की आधी से सामना हुआ और मोहम्मद हाफिज मुनाफ का शिकार हो गए। इस मैच में 0 पर आउट होने वाले युवा युवराज अब अपनी गेंदबाजी से तबाही मचाने के लिए तैयार थे और ऐसे हालात में पाकिस्तान की ओर से सेट हो चुके उन दोनों बल्लेबाजों को अपने एक ही ओवर में शिकार बनाकर पाक की कमर तोड़ देते हैं। पाक जहां लगातार एक अच्छी जीत की ओर आगे बढ़ रहा था, युवराज ने पाक के मंसूबों में पानी फेर दिया। पाकिस्तान अभी भी उस जीत से महज 150 रन दूर था और सामने थे मिसबाउल हक और उमर अकमल। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर अपना काउंटर अटैक प्रारंभ किया। ऐसे हालात में मोर्चा संभालते हैं टीम इंडिया के प्रमुख स्पिनर हरभजन सिंह। उन्होंने अकमल को अपना शिकार बनाकर पाक को एक और बड़ा झटका दिया। धीरे धीरे पाकिस्तान के विकेट गिरते जा रहे थे। पाक का स्कोर 150 रन पर 6 विकेट हो चुका था। इस मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान के सामने 111 रनों की और चुनौती थी। ये मैच अब पूरी तरह टीम इंडिया के कंट्रोल में था। एक ऐसा बल्लेबाज था जो इस मैच को टीम इंडिया के मुट्ठी से छीन सकता था। ये वही बल्लेबाज था जिसने साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इस शॉट को खेला था। मिसबाउल हक अपनी टीम के लिए एक शानदार पारी खेल रहे थे, लेकिन पाक के विकेट का पतन जारी था। पहले मिसबा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अब पाकिस्तान को फाइनल खेलने के लिए महज 37 रनों की जरूरत थी और इसी मैच को जीतने के लिए टीम इंडिया को महज 1 विकेट लेना था। दोनों टीमों के बीच जद्दोजहद जारी थी। दोनों टीमें लगातार संघर्ष पर संघर्ष कर रही थी। ऐसे में शॉट को खेलते हुए मिसबाउल हक के रूप में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद का पतन हो जाता। ये रहा पाकिस्तान का स्कोर कार्ड। ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का प्रदर्शन। एक बार फिर से टीम इंडिया के सामने पाक का घमंड ध्वस्त हो चुका था। पाक का वो सपना नष्ट हो चुका था जो उसने सदियों से पिरो कर रखा था। पाक का वो घमंड भी पराजित हो चुका था जो उन्हें कंगारुओं को पराजित करने का था। टीम इंडिया एक बार फिर से पाक के खिलाफ अपने रिकॉर्ड को अजेय रखती है। पाक के हार का सिलसिला जारी रहता है। टीम इंडिया फाइनल में दस्तक दे चुकी थी। I felt that India had a chance. 9 finals before that, 7 had been won by teams back in Africa. It's just a cricket match, but on that day, it was not just a cricket match. Australia out of the competition. Pakistan ke khilaf Bharat ki shandar jeet. Place in the World Cup final is theirs. Let the party. India won by 29 runs. सेमीफाइनल में पड़ोसी पाकिस्तान पर विजय हासिल कर टीम इंडिया विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी। माही की अगुवाई वाली टीम इंडिया से अब संपूर्ण भारत को उम्मीद थी उस सपने को हकीकत में बदलने की, जिससे वो टीम इंडिया
महज एक कदम पीछे थी और उसी टीम इंडिया के सामने था हमारा दूसरा पड़ोसी श्रीलंका। सांगाकारा, जयवर्धने, तिलक रत्न दिलशान, लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गजों से लैस ये टीम विश्व कप के इस बड़े मंच पर विश्व के किसी भी टीम के मंसूबों में पानी फेरने का ताकत रखती थी। ऐसे हालात में जब टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से होने वाला था तो क्रिकेट पंडितों के बीच एक अलग ही वार का प्रहार प्रारंभ हो चुका था। दिग्गजों में एक अलग प्रकार की बयानबाजी चल रही थी, कोई कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। श्रीलंका की टीम हल्की है, कोई दो राय नहीं है कि हमारी टीम बहुत बेहतर है, पेपर भी बेहतर है और खेल भी बेहतर रही है। हम बहुत डिफिकल्ट मैच जीत के आए हैं तो ये थोड़ा आसान है। बिग मैचेस हुए हैं भारत और श्रीलंका के बीच हाल के सालों में, वो भारत ने जीते। टीम इंडिया 28 साल के सूखे को खत्म करना चाहती थी, क्रिकेट का भगवान एक विश्व कप जीतना चाहता था। बस मुझे और क्रिकेट नहीं खेलना है, मुझे रिटायर होना है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, वानखेड़े स्टेडियम पे फाइनल है। कैन यू इमेजिन तुम्हारे हाथ में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी और तुम विक्ट्री लैप ले रहे हो, वो फीलिंग कैन यू इमेजिन। करोड़ों हिंदुस्तानी एक साथ दिल खोल करके हिंदुस्तान का परचम लहराना चाहते थे। संपूर्ण भारत एक साथ एक गीत पर एक ही मंच में एक जयकारा लगाना चाहता था। अपने इस सपने को जीने के लिए भारत ने पिछले 28 सालों का इंतजार किया था। इतने सालों में वो सब्र, इतने सालों बाद आज संपूर्ण भारत के समक्ष था। मैच से पहले संपूर्ण भारत की आंखें नम थी क्योंकि ये मैच दुनिया के लिए एक फाइनल था, परंतु संपूर्ण भारत के लिए वो मैच सब्र का एक बांध था। दशकों से चली आ रही उस तपस्या, उस प्रतीक्षा का वो फल था जिसके लिए संपूर्ण भारत ने 2003, 2007 जैसे कई साल देखे थे। वानखेड़े की वो बत्तियां बता रही थी कि ये तपन, ये प्रतीक्षा, ये इंतजार एक दिन का नहीं, ये कई सदियों का था। कहते हैं कि नरगिस जब अपनी पेनोरी पर बेहद रो लेती है तब पैदा होता है चमकता हुआ दीदावर, और वही चमन दीदावर था संपूर्ण भारत के लिए वो कप्तान, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े का वो मैदान और उसी मैदान पर थे दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ कप्तान। एक आज विश्व विजेता बनने वाला था तो दूसरा उसी विश्व कप का उप विजेता बनने वाला था, और दोनों के बीच मैदान में एक सिक्का उछाला जाता है, परंतु कंफ्यूजन के चलते उस सिक्के को दोबारा उछाला जाता है। What happened at the toss in the 2011 World Cup? Calling on the toss. So there was a little bit of confusion. But here we go. Toss time once again. MS will spin. ये सिक्का कुमार सांगाकारा के पक्ष में गिरा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। श्रीलंका की ओर से शुरुआत करने आते हैं तिलक रत्न दिलशान और उपुल थरंगा। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था श्रीलंका का ये दाव श्रीलंका पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 5 ओवर में महज 9 रन बना पाते हैं, जिसका दबाव ओपनर सुपुल थरंगा पर साफ नजर आ रहा था, और इसी का फायदा जाहिर खान ने उठाया। उन्होंने अपने स्विंग से श्रीलंका के पहले ओपनर अपना शिकार बना लिया। थरंगा और जाहिर खान का शिकार बन चुके थे, पावर प्ले भी खत्म हो चुका था, और पूरे पावर प्ले में श्रीलंका की टीम ने महज 31 रन बनाए और अपना एक विकेट खो चुकी थी। अभी तक ये मैच पूरी तरह टीम इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन सांगाकारा और दिलशान के ये शॉट्स और इस मैच को टीम इंडिया से दूर ले जा रहे थे। दोनों ने मिलकर पहले श्रीलंका के स्कोर को 60 तक पहुंचाया, लेकिन हरभजन सिंह ने श्रीलंका के दूसरे ओपनर दिलशान को अपनी फिरकी में फंसा लिया, और अब श्रीलंका का स्कोर 60 रन पर 2 विकेट हो चुका था। ऐसे हालात में टीम इंडिया की मुश्किलें आसान होती दिख रही थी, परंतु उसी वक्त एंट्री होती है दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कुमार सांगाकारा की। ऐसे हालात में टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ने वाली थी, और इन मुश्किलों की वजह थी श्रीलंका के ये दोनों बल्लेबाज। ये कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जिनके सामने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज पानी मांगते थे। दोनों ने पहले समझदारी का परिचय देते हुए श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया। श्रीलंका का स्कोर अब 120 रन तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। दिग्गजों को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर ये दोनों बल्लेबाज इसी कदर खेलते रहे तो ये वर्ल्ड कप किसी भी हालात में भारत के पास नहीं जाने वाला है। ऐसे हालात में टीम इंडिया के कप्तान ने उस इंसान को याद किया जिसने बल्ला पकड़ा तो बल्ले से और बॉल पकड़ा तो बॉल से। टीम इंडिया के हर संकट की घड़ी में वो इंसान टीम इंडिया का संकट मोचक बनकर टीम इंडिया को संकट से बाहर निकाल लाता था, जिसने हर वक्त हर मुश्किल परिस्थितियों में अपने कर्म, अपने बल्ले, अपने गेंद से जौहर दिखाया था। उस इंसान ने आक्रमण में आते ही सबसे पहले श्रीलंका के कप्तान कुमार सांगाकारा को अपना शिकार बनाया
संगाकारा की पारी पर अब विराम लग चुका था, लेकिन जयवर्धने अभी भी वानखेड़े के उस मैदान पर एक महारथी की तरह टिका हुआ था। श्रीलंका लगातार एक के बाद एक अपने विकेट खो रही थी, वहीं दूसरी तरफ से महिला जयवर्धने श्रीलंका के लिए एक स्तंभ बन चुका था। पहले जयवर्धने का अर्धशतक आता है, फिर शतक। जो श्रीलंका मुश्किल से 200 रन पार करने वाली थी, उसी श्रीलंका का स्कोर अब 45 ओवर में 200 के पार पहुंच चुका था। ऐसे में आखिरी 5 ओवर का खेल बाकी था और जयवर्धने नाम का वो तूफान अब प्रारंभ हो चुका था। टीम इंडिया के गेंदबाज श्रीलंका के जयवर्धने को आउट करने में नाकामयाब रहे। ऐसे में लास्ट के 5 ओवर्स में जयवर्धने ने टीम इंडिया के खिलाफ अपना विराट रूप धारण कर लिया और आखिरी के 5 ओवर में निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर के 61 रन जोड़ डाले। श्रीलंका का जो स्कोर 200 के इर्द गिर्द होने वाला था, अब श्रीलंका का वही स्कोर 274 पहुंच चुका था और पारी के पूरे 50 ओवर खत्म हो चुके थे। टीम इंडिया को विश्व कप जीतने के लिए अगली 300 गेंदों में 275 रन बनाने थे, वहीं श्रीलंका को यही विश्व कप हासिल करने के लिए अगली 300 गेंदों में इतने ही रन बचाने थे। ये रहा श्रीलंका की पारी का स्कोर कार्ड और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का प्रदर्शन। और 275 रन बना लिए हैं श्रीलंका ने, 275 रन। क्या भारत 275 रन बनाकर इस वर्ल्ड कप को जीत पाएगा या नहीं? विश्व कप के फाइनल जैसे बड़े मंच पटल में 275 रनों का ये टारगेट कोई आम टारगेट नहीं था। और ऐसे में उस टीम के सामने जिसमें लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गज गेंदबाज हो, ये स्कोर तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। दुनिया पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये मैच मैच नहीं होने वाला है, इस मैच की कहानी हर वक्त बदलने वाली है। परंतु जब ये बात टीम इंडिया के सामने थी तो उसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि पिछले 28 सालों का वो सूखा आज खत्म हो जाए। हमने सबने डिसाइड किया था कि ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, जीतेंगे। हिंदुस्तान की बेस्ट चांस है। 275 रनों का पीछा करने के लिए टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं टीम इंडिया के विस्फोटक वीरेंद्र और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। परंतु मैच की दूसरी गेंद पर विस्फोटक वीरेंद्र लसित मलिंगा का शिकार बन चुके थे। ये झटका टीम इंडिया के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था और इस झटके से टीम इंडिया जल्दी उबरने वाली नहीं थी। परंतु सहवाग के जाने के बाद टीम इंडिया का साथ दे रहा था गौतम। तो पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट थी। सहवाग तो धोखा दे चुके थे, परंतु संपूर्ण भारत को उम्मीदें थी क्रिकेट के भगवान से। और कुछ ऐसे ही हालात में लसित मलिंगा ने संपूर्ण भारत को दूसरा झटका दिया जब क्रिकेट के भगवान को अपना दूसरा शिकार बना लिया। मलिंगा ने बैक टू बैक एक के बाद एक दो बड़े झटके दिए। मलिंगा की ये दो गेंदें 28 साल के सूखे पर हावी हो रही थी, परंतु मैदान पर थे दिल्ली के दो शेर और इन दोनों शेरों से एक बार फिर से संपूर्ण भारत को उम्मीदें थी। मैच पूरी तरह लंका के कंट्रोल में था, लेकिन गौतम का वो गंभीर स्वरूप मैच में बदलाव लाने वाला था, क्योंकि कोहली और गंभीर ने एक बार फिर से श्रीलंकाई गेंदबाजों पर काउंटर अटैक प्रारंभ कर दिया था। जो रन रेट पहले 10 ओवर में मैच 3 के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे, वही रन रेट अगले 10 ओवर में 6 को पार कर चुका था। टीम इंडिया ने अगले 10 ओवर में 70 रन जोड़ डाले। अब दूसरी पारी के 20 ओवर खत्म हो चुके थे और इन 20 ओवर्स में टीम इंडिया ने 110 रन बना डाले थे। पूरे वर्ल्ड कप में संघर्ष कर रहे कोहली ने इस मैच में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया, परंतु दिलशान का वो अद्भुत कैच टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका दे गया। ऐसे हालात में दुनिया को इंतजार था टीम इंडिया के युवा युवराज का, परंतु माही की उस एंट्री से विश्व क्रिकेट की सांसें थम चुकी थी। श्रीलंका के लिए आउट ऑफ सिलेबस की तरह वो कप्तान ग्राउंड में एंट्री कर रहा था। उसकी इस एंट्री से संपूर्ण विश्व क्रिकेट में, क्रिकेट की दुनिया में भारत के आधिपत्य का आरंभ हो चुका था। टीम इंडिया के कप्तान ने गंभीर के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम को जीत के लिए अब महज 116 गेंदों में 122 रनों की जरूरत थी और टीम इंडिया के हाथ में अभी भी 7 विकेट बाकी थे। गंभीर और धोनी ने तीव्र गति से लक्ष्य का पीछा किया। टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। अब जीत के लिए 73 गेंदों में 75 रनों की जरूरत थी। गौतम धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी का अर्धशतक पूरा हो चुका था। टीम इंडिया को विश्व विजेता बनने के लिए महज 52 गेंदों में 53 रनों की जरूरत थी और कुलशेखरा की वो वॉल गंभीर के सपनों पर हावी हो गई। गंभीर के आउट हो जाने के बाद श्रीलंका के लिए थोड़ी उम्मीदें जगी, परंतु गंभीर के जाते ही टीम इंडिया का संकट मोचन मैदान में आ चुका था। अब मैदान पर दुनिया के दो ऐसे बल्लेबाज थे जिनके हाथों से ये विश्व कप छीन ले जाना दुनिया के लिए संभव था। दोनों ने मिलकर पहले रन गति को तेज किया और 10 गेंद रहते ही धोनी के छक्के के साथ खत्म होता है टीम इंडिया का ये 28 साल का इंतजार। 28 सालों की ये तपस्या खत्म हो चुकी थी। 28 सालों से चला रहा वो सपना अब पूरा हो चुका था। 28 सालों से चला रहा वो सूखा अब खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के उछल रहे ये खिलाड़ी अब
विश्व के विजेता बन चुकी थी। टीम इंडिया अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बन चुकी थी। क्रिकेट का भगवान अब वर्ल्ड कप जीत चुका था। टीम इंडिया का वो कप्तान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन चुका था। ये इंतजार, ये तपस्या, ये तप सब कुछ खत्म हो चुका था। ये जश्न मनाते हुए खिलाड़ी और इस नेशनल एंथम में कूद रहे ये दर्शक विश्व कप में भारत की जीत की गवाही दे रहे थे। वानखेड़े का वो मैदान, भारत की ये गलियां, भारत के ये खेत और भारत का वो कप्तान, संपूर्ण भारत आज सीना तान कर चल रहा था। क्रिकेट की दुनिया में भारत का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। वो दीदार, वो इंतजार, वो पल, वो सदियां, वो साल सब कुछ खत्म हो चुका था। संपूर्ण भारत राष्ट्रगान के साथ गूंज रहा था। सबकी आंखों में आंसू था। क्रिकेट को धर्म मानने वाला वो देश क्रिकेट का विश्व कप जीत चुका था। क्रिकेट के भगवान के घर में 28 सालों बाद एक बार फिर से वर्ल्ड कप था। जबरदस्त जीत हुई है, इतिहास रचा है। रियली वेरी हैप्पी फॉर सचिन। आई कांट बिलीव इट, मैन, इंडिया जीत गई है। चाहिए थे और सीधे छक्का मार के खत्म ही हो गया गेम। लव यू इंडिया। आई होप हमारी कमेंट्री, हमारी मैच स्टोरी, हमारी ये मेहनत आप पसंद कर रहे होंगे। और अगर आपको जरा भी ये कहानियाँ, ये मैच स्टोरीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे भी सपने को पूरा करिए। हमारा सपना है कि हम जल्द से जल्द 1,00,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं। और इसी तरह हम आपके लिए शानदार मैच स्टोरीज, मैच डॉक्यूमेंट्रीज अपनी आवाज अपने अंदाज में लेकर आते रहें। और हाँ, अगर आप हमारी आवाज हमारे अंदाज में भारत के वीरों की कहानियां सुनना चाहते हो या हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करें हमारे सेकंड चैनल थिंक टैंक को।